परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी का मैं तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत हाज़र ते सलाम अर्ज़ करदा। सज्जनों ते भरावो गल इह आ जी कि अल्लाह ताला दे फैसले अल्लाह ताला दे कानून हुंदे आ, हर अरूज नूं जवाल हुंदा, कोई इस गल नूं मन्ने या ना मन्ने, लेकिन पाकिस्तान दे अंदर इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही, जो जिन्हां मुश्किलात दा शिकार ये पाकिस्तान दा इतिहाद आ, जिहड़ा इस वक्त बरसर इकतदार आ, जिहनूं PDM कहा जाता, इन्हें जो कुछ आवाम के नाल कीता, जितनी आवाम को बददुआवां लईआं इन्होंने, उहदा असर जिहड़ा आहिस्ता आहिस्ता हुण ज़ाहर हो रहा, जिहदी कि बड़ी मिसाल जिहड़ी आ अज दी जिहड़ी खबर आ जी मेन, वह है जी कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने ज़राए दे मुताबक सीनियर नायब सदर तो अस्तीफा दे दिता जी पार्टी के विचों। कुछ लोग उसकी तरदीद करने की कोशिश कर रहे, लेकिन ARY या होर एक दो चैनल जिहड़े आ उन्होंने मुताबक खबर की जिहड़ी आ वह दिती गई आ। मिफ्ता इस्माइल साहब वो भी एक बागी ग्रुप से शामिल हो चुके हैं। राजा जफर अल हक साहब कॉर्नर करते गए जी। चौधरी निसार अली खान साहब इन्हां दी पुलिसियां तो नाला होकर कम अज़ कम चार साढ़े चार साल तो वह घर बैठे है जी। आने वाला वक्त जिहड़ा वा वह किधर नूं जा रहा, क्या ये कोई बड़ा खेल खेलिया जाएगा, क्या ये कोई बड़े बागी ग्रुप बनेगा। इस तरह ही जिहड़ा मुफाहमत दे बादशाह वा जी, उन्हां दी पार्टी जिहड़ी पंजाब दे अंदर आ, उहनूं उस अपना सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, झूठी किस्म की साजिशा करके, बेईमानियां करके, या जो भी कह लो जी, जो कुछ रजीम चेंज के जरिए किया गया, ख्वाब देखा जा रहा कि मेरा बेटा वजीर आजम बन जाए, लेकिन ऑन ग्राउंड जी सिचुएशन आ वो ये आ कि पाकिस्तान पीपल पार्टी का भी मुस्तकबिल जरा वा पाकिस्तान के अंदर पंजाब दे विच कोई नज़र नहीं आ रहा, ना KPK दे च नज़र आ रहा, ना आज़ाद कश्मीर च नज़र आ रहा, ना गिलगित बिल्किस्तान च नज़र आ रहा। इस तरह ही जो कुछ आ महंगाई के नाल आवाम के नाल इन्होंने जो कुछ किया, या जो नैरेटिव इमरान खान साहब ने बिल्ड किया और इन्हों बेनकाब कर कोशिश की आ, और आवाम वो गल पहले तो शायद ना समझ आती हो, जिस वक्त आ खेल खेलिया गया IMF के गोरख दंदे का, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल का, पाकिस्तान की तबाही का एक नक्शा जड़ा, यानी चमन उजाड़ दिता जी, पकड़ के सर सबज चमन जड़ा उजाड़ दिता, उस कौन कौन शामिल आ, मैं ये मतलब ज़्यादा गल नहीं कर सकता। कोई कहे कि मैं इस कसूरवार नहीं हैगा, फैसला साज भी कसूर साज आ, जिन्हों के कुल कलम की ताकत आ वह भी कसूरवार आ, जिन्हों को कोई होर ताकत आ वह भी कसूरवार आ जी। मिलजुल के इन कसूरवारा ने पाकिस्तान का यह हुलिया बिगाड़ता। आने वाला इलैक्शन जोड़ा वा वो इन्हों अपनी जी नाकामी जाहिर हो रही, उसकी वजह जिस वक्त मरियम नवाज साहब बड़ी तैयारी के नाल बड़े आर्डर के नाल आईया जी पाकिस्तान के, जिन्हों कहा जाता कि मजमा जरा बहुत क्राउड कामयाब आ, फलाम आ, टींग आ, यह सारा कुछ होने तो बाद अचानक जी मायूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर भी बढ़ गई है जी। याद होना तुहानू एक बयान दिता सी ख्वाजा साद रफीक साहब ने कि उम्र गुजर गई, 17-17 साल के असी आए सी, 60 साल के हो गए हैं, अज भी हाथ बन के पिछे खड़े हैं। जिस वक्त मरूसी सियासत ये खानदानी निज़ाम बादशाह जी खानदानी बादशाहत आ ये परवान चढ़ेगी ना, पाकिस्तान परवान चढ़िया 75 साल से जो कुछ इस आवाम के नाल, जो इस पाकिस्तान के नाल इन खानदाना ने किया, उस तो बाद गुंजाइश नहीं रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर इन्हीं कुछ मतलब के बंदे ऐसे नहीं है जिहड़े पाकिस्तान ना मुहब्बत नहीं करते, पाकिस्तान ना हर बंदा मुहब्बत करता, पाकिस्तान के अदारिया ना हर बंदा मुहब्बत करता, हर पार्टी का आदमी मुहब्बत, JUF जिन्हों फजल रहमान ग्रुप कहते हैं, वो अंदर बहुत सारे लोग आ जी जिहड़े पाकिस्तान दे जान देने लई तैयार आ, लेकिन इन लोगों ने जो कुछ किया जो इमरान खान साहब कहते सी, अज वो गल जिहड़ी आ जुबान ज़दे आम हो गई आ, और जिस वक्त वो जुबान ज़दे आम हो गई आ, ये लोग सोचण ते मजबूर हो गए। फिर तुहाडे सामने मिसाल आ जी कि वजीर आला बनना जी भतीजे ने बनना जी, वजीर आजम बनना जी भाई ने बनना, या बेटी ने बनना जी, या मैं बनना जी। जरदारी साहब आ जी, मैं हैगा सदर पाकिस्तान, वजीर आजम बिलावल भुट्टो, तो अगे जनाब वजीर आला जिहड़ा वा वो हो सकता जी कोई बेटी आ जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इवानिस जिहड़ा वा वजीर आजम उत्थों तक आ जाए,
यानी पाकिस्तान नू इना ने अपनी एक जागीर समझिया होया और उस जागीर का नतीजा ये आ कि कुछ टाइम तो पाकिस्तान के जेडे ताकतवर हल्के आ उन्होंने हुक्मरानी की आ हूँ वो आवाम के अंदर वो जरा महसूस किया जाता बुरा उन्होंने कहा चलो इस तरह ये भी राजी रहेंगे असी भी राजी रहेंगे ये सूरत हाल जी आदे तहत शाहिद खाकान अब्बासी साहब कुछ होर लोग आ जे आने वाले दिनों के नज़र आएंगे ये किन्ना क चिर ये काम चल सकता जी। हर जी चीज़ आदि एक हद होंगी है एक आदमी है जी वो एक कलर्क भर्ती हों एक अदारे के अंदर वो कोशिश करता मेहनत करता तरक्की करता 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 वो कहता यार मैं सारी उम्र अपनी जी इस फैक्ट्री इस अदारे दी आ मैनू भी कोई बेनीफिट होना चाहिए मैनू भी कोई तरक्की होनी चाहिए यानी एक पढ़िया लिखिया आदमी हो एक यानी काबल आदमी हो जे इलम आ जरा तजर्बा उत्तों वो कंपनी फायदा तो चके लेकिन उन्होंने कोई फायदा ना दे फिर मायूसी बढ़ती है जी। यही कुछ होया इनू कहें जी फैसले खुदा दे एक फैसला वो आ जिहड़ा लोग सोचते आ एक फैसला वो आ जिहड़ा मेरा अल्लाह ताला सोचता इस तरह ही इमरान खान साहब के मुतलक जो फैसला इस वक्त कुछ लोग सोच रहे आ वो फैसला इन लोगों का वा एक फैसला अल्लाह ताला का वा वो की सोचता पाया पाक परवरदगार इस धरती के मुतलक अल्लाह ताला ने की फैसला किया ये तुहाडे सामने आने वाले दिनों में वक्त नज़र आएगा जी। एक बड़ा ब्लाक जिहड़ा वा वो सामने आएगा इनू गेम भी कह सकते हो मैं हजे ये एड्डी गल नहीं कर सकता कि हो सकता कि जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई आवाम के अंदर इन्हों के खिलाफ जिहड़ा वा वो नफरत पाई जाती आ हो सकता है एक फारवर्ड ब्लाक बना के एक किस्म का वो आवाम के हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर जनाब असी उन्होंने अलहदा हो गए हैं लोग इन्होंने वोट दे दें बाद एक हो जाए ये मतवक्का चांस है जी। मैं ये इनू खारजल का मकान नहीं करता करार दिता इस वास्ते आने वाले वक्त का इंतजार किया जाए लेकिन ये पहला पत्थर है जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब मिफ्ता इस्माइल साहब जिन्हों के नाम दिता गया बागी ग्रुप का कोयटा भी गए होर मुल्क दे पूरे मुल्क का इन्होंने जनाब दौरा किया को राबते किए यह सारा कुछ तुहाडे सामने होया जी। आने वाले वक्त का इंतजार किया जाए इमरान खान साहब ने आज कोर कमेटी का इजलास बुला लिया जी उहदे मुतलक शाम को ब्रीफिंग दिती जाएगी इंतजार करो जी। ये खबर सी मैं तुहाडे नाल शेयर करा गल सिर्फ समझण वाली है जी जिहड़े ताकतवर लोग आ उन्हां नूं भी समझना चाहिए जिहड़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा वा उन्हां नूं भी समझना चाहिए कि साढ़े ना जरदारी साहब ने की किया असी आवाम ना की किया तो हूँ अगे आवाम ने साढ़े नाल की करना। अगर जरदारी साहब इस खाबे गफलत च महव आ कि यह सारा कुछ जरा मलबा वा वो इमरान खान साहब से पा देंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से पा देवगा जो कुछ सैलाब के अंदर सिंध के अंदर किया गया जो कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब का करदार रहा जी या है कि हुकूमत जी वो नहीं छड़नी इलेक्शन नहीं कराना मुल्क के मतलब जोड़े सवालत आमीर तरक्की मुशत के मतलब जो सवालत पैदा हो रहे हैं जी। कौन है जी इतराज़ कर रहा जी जरदारी साहब इतराज़ कर रहे कौन है जी इतराज़ कर रहा मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे जाति मुफादात जो तो मुल्क तो तरजीह दोगे वो लीडर नहीं होंगे वो फिर बिजनेसमैन होंगे ये बिजनेसमैन है जी सारे पाकिस्तान बिजनेस करन आते हैं जिस वक्त इन दुकान बंद हो जाती है शाम को ये चाबियां जेब च पाते घर चले जाते हैं सुबह नूं आके फिर दुकान खोल लेंगे डुगडुगी बजाते मजमा इकट्ठा करते करन तो बाद लोगों को अहमक समझते लेकिन आवाम जी तब्दील हो चुकी है जी। बाकी जी कोई खबर हुई आने वाले वक्त की दसांगे जी लेकिन ये बड़ी एक अहम खबर आ जी आने वाले वक्त मुस्लिम लीग वास्ते एक बड़ा तजका साबित होएगी ये कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब नहीं जा रहे ये समझो कि बहुत बड़ा कोई बड़ा ग्रुप आ जी जरा जाएगा ये हूँ इलेक्शन के कुछ जोड़े लोग इलेक्शन हारन तो बाद जे चले जाएंगे कुछ आ जो जिमनी इलेक्शन 33 सीटा का इमरान खान साहब का होएगा वो ये देखो तुम अंदाजा करो कि वो मुकाबले हूँ कोई कैंडिडेट कि खड़ा हो रहा जी फैसला है जी कि असी इलेक्शन उन्होंने मुकाबले कैंडिडेट नहीं खड़े करने वजह की आ जो आवाम नाल कीता गया आवाम का रद्द अमल आना ही आना जी इनू तस्लीम कर लैन ये मदहोश रहन इस गल च नहीं साढ़े पिछे कोई ताकतवर चीज़ आ ताकतवर चीज़ अल्लाह की जात आ ते अल्लाह की जात तो बाद इस धरती ते आवाम आ जी जिहड़े लोग फैसले कर रहे उन्होंने भी यह सोचना चाहिए
कि अल्लाह और अल्लाह की आवाम का फैसला जरा उ गिणिया जाना, इस तो अगे ज़्यादा कोई गल नहीं हैगी। अगर समझ जाएंगे तो ठीक है, ना समझे फिर इस तरह ही जिस तरह हूँ मुस्लिम लीग नो टूट फूट की शिकार आ, पीपल पार्टी के बहुत सारे लोग आ जोड़े हो सकता आने वाले वक्त इन्हों के नाल मिल जाए, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना मिल जाए तो जरदारी साहब ख्वाब देखते रह जाएंगे।